ये अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी इस कौम के लिए लड़ें। अमेरिका का एक सदर था, वो कहता होता कि आप ये ना पूछें कि मेरे मुल्क ने मेरे लिए क्या किया, आप ये बताएं कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, कौमों को, मुल्कों को दो दो साल हो गए हैं आजाद होने के, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई पहले से गलती कर चुका हो तो उस गलती को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, आप फौरन दो थोड़ी दो तो उसको ठीक कर। अभी जैसे हमारा आपने देखा कि कितनी तबाही हुई है हमारे मुल्क में, तकरीबन कोई इनको तो समझ नहीं आ रही किसी को भी, कोई पहले कह रहा था 50 लाख का नुकसान हुआ है, कोई कह रहा था करोड़ का नुकसान हुआ है, हकीकत में नुकसान जो है वो 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हुआ है, 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम मुआशी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 3-4 सूबों का आगे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा का पूरा मुकम्मल तौर पर दबाव हो चुका है और कई लाख फैमिलियाँ जो हैं वो अपने घरों से, अपने खाते से महरूम हो चुकी हैं। और हम समझते हैं कि 1 बिलियन डॉलर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 बिलियन डॉलर से जो हुक्मरान हैं उनकी जेब आ जाएंगे, हुक्मरान का कुछ, ये जो आवाम है इनका कुछ नहीं। तो 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और ये नुकसान तभी पूरा होगा जब हम बतौर कौम और बतौर पाकिस्तानी और हमारे लीडर इस चीज़ को समझेंगे कि हमारी इज्जत और गैरत किस चीज़ है। ये तो आज की ताकत थी क्या हम वाकई आज़ाद हैं, और हकीकत में आज का जो मेरा जो तरीका वो ये था कि हम सैलाब जदान के लिए जो है एक तो दुआ करें और फिर दूसरा अपनी अपनी तरफ से जितना भी हो सके, चाहे आप 10 रुपये दे सकते हैं या 10,000 दे सकते हैं, यानी अपनी तरफ से वो चंदा इकट्ठा करें, अपने दोस्तों से, फैमिली से, अहबाब से, जितने जो कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे सैलाब का कोई भी नहीं है, ना इंडिया वाले आएंगे उनकी मदद करना है, ना इंग्लैंड वाले आएंगे, ना अमेरिका वाले, हमें खुद ठीक करना है। तो इसमें आप सबसे गुजारिश करता हूँ लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो और ये हमारे साथ भी हो सके, मैं आप सबसे बस की गुजारिश करता हूँ। हम कौन की बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ की बातें सुनने के बाद तमाम तरीन ने हकीकी आज़ादी से जो है वो उसके मुतफ़ नहीं हुए, लेकिन मगर फ़ज़ल ताला हमने ज़रूर इस्तेमाल किया है। हज़रत साहब और हमारे दो तीन दोस्तों ने यह कहा कि हम आज़ाद हैं, कोई शक नहीं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन अगर मगर लेकिन कुरान दिए वो तो तारकिन साहब ने चैनल की किताब दी है, चैनल हमारे पास आज़ाद हुआ है, डॉक्टर साहब ने कहा है इसको डिलीवरी के साथ 50 साल से होते, लेकिन चैनल हमारे साथ में जो एक दुनिया की सूचक ताकत है और वैसे के पास नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसूर बनता है, कुछ मेरा बनता है, कुछ आपका बनता है, ज़्यादा जो कसूर है वो हमारे हुक्मरानों का है, ना ए हुक्मरान है गैर मौके बनता है और खास तौर पर बेहतरीन हमारे हुक्मरान है। मुझे भी याद करता है कि कोई जो ठीक तारक साहब है वो उसको छोड़ कर तो हुक्मरान हो जो कौन तलाश का पाबंद हो जो बारिश हो जिसको देख कर पता ही कहे कि ये वाकई प्रोफाइल ऑफ टीम और अफराद को हमारे तसल चला आ रहा है उसकी
ड्रीम टेस्ट करेंगे और उसकी काफ़ी हूँ बात कैसे किए पूरा टॉपिक है लंबी बात उससे निकल जाएगी। अब मैं गुजारिश करूँगा आज की तकलीफ के सच बदल इनकलाबी सोच में आमिर खान को कहता हूँ और उनकी अपनी एक सोच है और मैं इनको नहीं चाहूँगी ये जो टॉपिक है उसको 100% वो इससे एग्री होंगे कि वाकई हम आज़ाद नहीं है तो उनका भी ध्यान रखा है कि हमें टॉपिक रखा। मैं भी ज़्यादा यही कहता हूँ कि किसी को हम आज़ाद नहीं है आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन ने जबान पाकिस्तान से ही सारे प्रयास बांट बात किया है जितने भाई हैं सबका अपने अपने राय।